पवन सिंह ने 3 लोगों को किया अनफॉलो। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, कुछ देर पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि पवन सिंह 3 लोगों को अनफॉलो कर दिए हैं, और उस वीडियो में हमने ये भी पूछ दिया था कि वो कौन से 3 लोग हैं जो कि पवन सिंह ने उन लोगों को अनफॉलो कर दिए हैं इंस्टाग्राम पे। और लोगों का तरह तरह का कमेंट आ रहा है और लोग तरह तरह का न्यूज भी बना रहे हैं कि इसको अनफॉलो किए हैं, उसको किए हैं, लेकिन आप सभी को पूरी सच बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी बताना चाहता हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में, जो की बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को पवन सिंह अनफॉलो कर दिए हैं, जो कि 100% लोग गलत बता रहे हैं। 2 साल पहले का ही अनफॉलो किए हैं पवन सिंह दिनेश लाल यादव निरहुआ को, और अनफॉलो किए हैं तो इसका मतलब दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। पवन सिंह और निरहुआ एक हैं और मनोज तिवारी भी एक हैं। एक बात और आपसे बताना चाहता हूँ, मनोज तिवारी और रवि किशन टिकट डिसाइड नहीं करते हैं। बीजेपी पार्टी में बड़े बड़े नेता और दिग्गज लोग हैं, वही लोग टिकट डिसाइड करते हैं किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। और हम देख रहे हैं कि इस समय आलतू फालतू का बहुत लोग न्यूज बना रहे हैं कि मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ की वजह से पवन सिंह को टिकट नहीं मिला है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ बात नहीं है, निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन डिसाइड नहीं करते हैं किसको कहां से टिकट देना है। अब बात रही पवन सिंह ने किसको अनफॉलो किया है, तो दोस्तों आपसे बताना चाहता हूं, पवन सिंह ने निधि झा को अनफॉलो किए हैं, मनोज सिंह टाइगर को, एक और किसी को अनफॉलो किए हैं, बाकी निरहुआ और मनोज तिवारी को 2 साल पहले से ही अनफॉलो किए हैं पवन सिंह। और ये मैं 100% सच आप सभी को बता रहा हूँ, और किसको किसको पता है निरहुआ को 2 साल पहले से ही पवन सिंह अनफॉलो किए हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।